वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम करंट अफेयर्स 2019 का भाग 5 देखते हैं, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसको देखते हैं। बरेली में आधुनिक रेल कोच कारखाने में स्वदेशी रूप से निर्मित किस ह्यूमनाइड रोबोट का परीक्षण किया गया है? ये सोना 1.5 का परीक्षण किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं को कहाँ से 3000 वर्ष पुराने लौह युग के निपटान के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? ये गुजरात से मिले हैं। आगे देखते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक पेपर आधारित सेंसर बनाया है जो दूध की ताजगी को तुरंत निर्धारित कर सकता है? ये आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तौर पर बनाया गया स्टैंडिंग व्हीलचेयर लॉन्च किया है? ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। सिंगापुर स्थित कंपनी एयर कार्बन ने दुनिया का पहला ब्लॉक चेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है, जिसका नाम है एयर कार्बन एक्सचेंज। किस संस्थान से शोधकर्ताओं ने पहली बार भारतीय ब्रेन एटलस विकसित किया है? ये आईआईटी IIIT हैदराबाद के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, ये पूछा जा सकता है कि पहली बार भारतीय ब्रेन एटलस किसने विकसित किया है? IIIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। आगे देखते हैं। आबू धाबी के पुरातत्वविदों ने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात प्राकृतिक मोती की खोज की कहां पे? मरवाह द्वीप पर की है। बायोमेट्रिक सीजर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये भारत बना, अपना देश भारत। किस विश्वविद्यालय से शोधकर्ताओं ने एक मल्टी मॉडल रोबोटिक सिस्टम गैसमैन विकसित किया है? ये आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव किस देश द्वारा विकसित की गई है? ये चीन द्वारा विकसित की गई है। दुनिया का पहला 5G फोन हाल ही में किसने जारी किया? ये दक्षिण कोरिया ने जारी किया है, इसकी राजधानी सियोल है। किस देश ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI न्यूज एंकर बनाई है? ये चीन ने बनाया है। आगे देखते हैं। दुनिया का पहला मानवाधिकार TV चैनल किसने लॉन्च किया है? ये मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में कौन दो विज्ञान चैनल लॉन्च किए गए हैं? DD विज्ञान और भारत विज्ञान। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पिछले 12 वर्षों में अरब सागर में सुपर साइक्लोन तूफान बनने के लिए कौन सा चक्रवात तेज हो गया? ये KR हो गया, KYARR KR हो गया। शोधकर्ताओं ने कहां दुनिया के सबसे ऊंचे पक्षी की खोज की है, जिसका नाम नर सफेद बेल पक्षी है? ब्राजील में खोज हुई इसकी। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी 2018 की 33 से बढ़कर 2019 में कितनी हो गई है? 36 हो गई है। विश्व की सबसे पुरानी पक्षी प्रजाति प्रोटोडोंटो पेट्रिक्स रूथेक की खोज कहाँ की गई है? की गई थी वायपारा न्यूजीलैंड में की गई है। 700 वर्ष की आयु में जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने ओजो कुल ग्लेशियर खो दिया है? ये आइसलैंड ने खो दिया है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय मोर पैराशूट स्पाइडर को किस रिजर्व फॉरेस्ट में शोधकर्ताओं द्वारा देखा गया है? ये पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में देखा गया है इसको। किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक स्मार्ट लैंडस्केप विकसित किया है? ये आईआईटी मद्रास के छात्रों ने। भारत का पहला ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री ड्रैकेना कंबोडियाना किस राज्य में खोजा गया था? ये असम राज्य में खोजा गया था। मित्रों, आप अंतरिक्ष से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यू जे वार में जुपिटर के TOI 677B बहिर्ग्रह की खोज की है? ये नासा ने खोज की है। किस दूरबीन ने रिकॉर्ड तोड़ने वाले थर्मोन्यूक्लियर एक्सरे फ्लैश का पता लगाया है? न्यूट्रॉन स्टार आंतरिक संरचना एक्सप्लोरर
NICER ने। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति के किस चंद्रमा की सतह के ऊपर जल वाष्प का पता लगाया गया है? ये यूरोपा, यूरोपा जो बृहस्पति का चंद्रमा है यूरोपा, इस पर पता लगाया गया। इसरो ने श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से कार्टोसेट 3 और 13 नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये किससे? PSLV C-47 से। किस देश ने स्मार्ट ड्रैगन नामक अपने एक वाणिज्यिक वाहन वाहक रॉकेट कोड का अनावरण किया है? ये चीन ने किया है। क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर ने किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक सर्व महिला टीम द्वारा पहली बार स्पेस वॉक पूरा किया? ये नासा द्वारा पूरा किया है, नासा की ये अंतरिक्ष एजेंसी की महिला टीम है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए ICON उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? ये पृथ्वी का आयन मंडल का अध्ययन के लिए प्रक्षेपण किया है। खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए चंद्रमाओं की खोज की। अब इसके कुल कितने चंद्रमा हैं? ये अब हो गए हैं 82। शनि की अब जो 82 चंद्रमा की खोज हो चुकी है अब तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जा सकता है। भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 जिसका नाम बाहुबली है ने किस मिशन को अंजाम दिया? ये चंद्रयान 2 को अंजाम दिया है। आगे देखते हैं, ब्लैक होल के पास किस दूरबीन से रहस्यमय डिस्क मिली है? हब्बल सूक्ष्मदर्शी। आगे देखते हैं, युविका 2019 किस संगठन से संबंधित है? ये इसरो से संबंधित है मित्रों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए BEO के लिए। इसरो ने राडार इमेजिंग उपग्रह RESET-2B को सफलतापूर्वक लॉन्च किससे किया? PSLV C-46 से। किस एयरबोर्न वेधशाला ने अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के पहले अणु का पता लगाया है? इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए स्ट्रेटोस्फेरिक वेधशाला द्वारा। आगे देखते हैं, नेपाल द्वारा प्रक्षेपित पहले उपग्रह का नाम क्या था? ये नेपाली SAT-1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको। किस देश द्वारा अपना पहला उपग्रह रावण 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, किया गया था? ये श्रीलंका है, रावण के नाम से ही खुद पता चलता है कि ये श्रीलंका का है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम बताइए जिसने कैलिफोर्निया में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी? ये स्ट्रेटो लंच नाम से है। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।